चलिए एक और विविध का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जामों में, खास करके फोर्स वगैरह में तो हमेशा ही पूछते रहता है। तो जो भी फोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं मुख्य रूप से विविध क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसे जो भी हो आपका एसएससी रेलवे सभी में पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी दरोगा ये सभी में पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसमें हैं जो आपको याद रखने के बावजूद गलत मार सकते हैं। तो इसीलिए हम फिर से इसको आपको याद करवा देंगे, ध्यान से देखिएगा। और चलिए पहले देखिए, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख धर्म, पूजा स्थल एवं पवित्र ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे आपको याद भी होंगे, जैसे सनातन धर्म, ये जो है विश्व का प्रथम धर्म था। ये विश्व का प्रथम धर्म जो है सनातन धर्म है। ठीक है, यानी सबसे पहला धर्म जो है हिंदू धर्म है, यानी सनातन धर्म है। लिख देते हैं, यानी प्रथम धर्म, ऐसे याद रखिएगा, वही बात है। ठीक, अपने याद रख लीजिएगा कि विश्व का पहला धर्म कौन है, तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म। इसके पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो मंदिर। जो भी हिंदू धर्म से संबंधित होंगे उनको पता होगा कि पूजा स्थल क्या कहते हैं, मंदिर। अब देखिए हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। अब देखिए रामायण का लेखक पूछता है तो वाल्मीकि। ठीक है, रामायण का जो है लेखक वाल्मीकि, जबकि रामचरितमानस का लेखक गोस्वामी तुलसीदास। इस बात को ध्यान रखिएगा, रामायण का लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास, जबकि महाभारत का वेदव्यास। महाभारत का लेखक कौन, तो वेदव्यास। अब देखिएगा इस्लाम धर्म, जिसको मुस्लिम धर्म भी कहते हैं, इसका जो है पूजा स्थल मस्जिद होता है, और यानी इस्लाम का पूजा स्थल मस्जिद और पवित्र ग्रंथ कुरान। लोग कुरान पढ़ते हैं तो पवित्र ग्रंथ क्या, तो कुरान। इस्लाम धर्म का यानी पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं और पवित्र ग्रंथ को कुरान कहते हैं। आगे देखिए ईसाई धर्म, ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म का पूजा स्थल जो है चर्च है। ईसाई धर्म के पूजा स्थल को चर्च कहते हैं और पवित्र ग्रंथ क्या, बाइबिल। और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है मार्टिन लूथर किंग ने किया था। मार्टिन लूथर किंग किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में। आगे देखिएगा अगला जो है सिख धर्म, सिख धर्म का जो है पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं और पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ, या इसी को कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। इसी को जो है कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ। अब देखिए बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है और पवित्र ग्रंथ जो है जातक और त्रिपिटक है। आपको पता है क्योंकि हम वीडियो डाल चुके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जातक जो है बुद्ध के पुनर्जन्म का जानकारी मिलता है जातक से, जबकि त्रिपिटक जो है इसका अर्थ होता है तीन टोकरिया और इसमें तीन पुस्तक शामिल है, सुतपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुतपिटक का लेखक आनंद, विनय पिटक का उपाली और अभिधम पिटक का लेखक जो है उसका ज्ञात नहीं है। और सुतपिटक से यानी कि बौद्ध धर्म के उपदेश का जानकारी मिलता है, जबकि विनय पिटक से बौद्ध संघ का जानकारी मिलता है और अभिधम पिटक से यानी कि धार्मिक और विचारों का संकलन है उनका, गौतम बुद्ध के। ठीक है, आगे देखिए अगला है पारसी धर्म। पारसी धर्म और यहूदी धर्म, यही दोनों में लोग भुलाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो देखिए हम आपको याद करवाते हैं, आप नहीं भुलाइएगा उस बात को, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पारसी धर्म अग्नि मंदिर,
जेंद अनिस्ता। जैसे देखिए खास करके हिंदू धर्म में एक पूजा होता है जो कि गछा जाता है मनीता के टाइप पे, मन्नत के टाइप पे गछा हुआ रहता है, माना हुआ जाता है, वो बराह का पूजा होता है। उसमें क्या होता है कि जो है इस तरह से गड्ढा में आग रहता है, आग, और इसमें जो है लोग पार होते हैं। तो वही जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं पारसी धर्म में अग्नि मंदिर। तो देखिए जो पहली बार इसमें पार होने वाला होता है तो उसको डर लगता है, किसी को भी डर लगेगा, तो वही जो है वो पूजा में जो है कोई बोलते हैं उनसे कि जो आओ जल्दी, यानी कि जो औ महल के आओ जल्दी, केरा में अग्नि मंदिरवा में पार हो जो जल्दी से, पार हो जो कोची में अग्नि मंदिरवा में जल्दी से आओ, यानी कि जल्दी पार हो जल्दी से आओ, आओ जल्दी से अग्नि मंदिरवा में पार हो जो। तो ये होगा पारसी धर्म का अग्नि मंदिर और पवित्र ग्रंथ में जिंद अवस्था। आगे देखिएगा अगला है यहूदी धर्म। अगला है यहूदी धर्म, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहूदी लिखा हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुदही। जैसे कोई कोई चीज है उसको तोड़ तोड़ के ना कहते हैं गुदही गुदही कर दिए, है ना, टुकड़ा टुकड़ा। स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग कह सकते हैं टुकड़ा टुकड़ा, जिसी को कहते हैं गुदही गुदही कर दिए, है ना। तो देखिए तोड़ के क्या कर दिया, गुदही गुदही, तो गुदही गुदही कर दिए, तो फिर सीजिए, सीने 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 ना कहता है सिन ही, जे तोड़ के बड़ा का गुदही गुदही कर देनी है, सी ही तू ही तोरे सीए पर, तो सीने की ना सीने। हाँ तो यही याद रखिएगा यहूदी धर्म का, यानी पूजा स्थल सीने गौ और पवित्र ग्रंथ तोरा। तो याद कैसे रखना है यहूदी धर्म, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो तोरा। तो यहूदी आएगा तो आपको दिमाग में लगा देना है अरे तोड़ दिल के है, तोड़ के गुदी गुदी कर दिल के है, तब फिर कह ले कि सीने सीए कहे थे, तो सीने वाला जो है पूजा स्थल है ना, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से, तो विश्व का प्रथम धर्म सनातन धर्म या हिंदू धर्म, इसका जो है पूजा स्थल मंदिर पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत, इस्लाम धर्म का पूजा स्थल मस्जिद और पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाई धर्म का पूजा स्थल चर्च और यानी कि पवित्र ग्रंथ बाइबिल, सिख धर्म का जो है गुरुद्वारा और पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, और बौद्ध धर्म का चैत्य और पवित्र ग्रंथ जातक और त्रिपिटक, जबकि पारसी धर्म का अग्नि मंदिर और पवित्र ग्रंथ जिंद अवस्था, यहूदी धर्म इसका पूजा स्थल सिनेगॉग और पवित्र ग्रंथ तोरा है। देखिए इसमें कुछ ऐसा भी धर्म है जिसका संस्थापक पूछता है, वो हम आपको रिपीट करना चाहते हैं। जैसे इस्लाम धर्म, इसका जो है हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ये संस्थापक थे, ठीक है। ईसाई धर्म, इसका जो है ईसा मसीह, फिर सिख धर्म है गुरु नानक, और बौद्ध धर्म है इसका जो है गौतम बुद्ध, देखिए ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है, क्वेश्चन पूछेगा इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन, तो हजरत मोहम्मद साहब, इनके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे जब इस्लाम धर्म हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, और ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह, फिर जो है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो इस बात को सब याद रखिएगा। तो
तो चलिए लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम जो भी डाल रहे हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए।